आज सुबह सुबह अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ के बड़ा दुख हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में लिखा है कि अगर उनकी सरकार आई तो दिल्ली में सब्सिडी बिजली के ऊपर खत्म कर देंगे। इसका मतलब आपके 200 यूनिट बिजली जो अभी आपको मिलती है फ्री, वो खत्म हो जाएगी, वो फ्री बंद हो जाएगी। जो बिजली 400 यूनिट तक सस्ती मिलती है वो भी बहुत महंगी हो जाएगी। कई कई राज्यों में तो 400 यूनिट के 2500 रुपए तक लगते हैं। मैं मन में सोच रहा था, जिन सांसद महोदय ने ये इंटरव्यू दिया है उनको खुद को केंद्र सरकार से 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है हर महीने, खुद को तो 4000 यूनिट बिजली फ्री मिले, और केजरीवाल अगर आम आदमी की 200 यूनिट फ्री कर दे बिजली महीने की, तो इनको तकलीफ होती है, इनके पेट में दर्द होता है। ये तो गलत बात है। हमारा क्या कसूर है? हमारा कसूर है कि जो सुविधाएं सांसद को मिला करती थी, जो सुविधाएं एमपी को मिलती थी, हम चाहते हैं हमारे दिल्ली का हर आदमी वो सुविधाएं महसूस करे, उसको हर आदमी को सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं उन सांसद महोदय का, उन्होंने चुनाव के पहले ही बता दिया। और मैं भाजपा को कहता हूं इस बार इसी बात पे चुनाव हो जाए। मैं चैलेंज करता हूं, पिछली बार तो 3 सीट आ गई थी, इस बार 1 सीट पे भी जमानत बच जाए इनकी तो देख लेना। एक बार ये जम के कह दे भाई अगर आ गए तो 200 यूनिट बिजली, ये बिजली की सब्सिडी खत्म कर देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम लोग राजनीति में आए सत्ता के लिए नहीं आए, पद के लालच से नहीं आए। याद है आपको 49 दिन के अंदर सरकार के अंदर जब थे, 49 दिन के अंदर सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी, इस्तीफा दे दिया था। आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि 49 दिन के अंदर खुद ब खुद सीएम ने इस्तीफा दे दिया हो। हम आए थे आम आदमी के हक के लड़ने के लिए, और आज भी हम आम आदमी के हक के लिए लड़ रहे हैं अंदर बैठ के। आज इतने सारे जो काम हो रहे हैं, अभी गोपाल राय जी बता रहे थे आपको, इतने सारे काम वो सारे काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जनता से मोहब्बत करते हैं। आज बिजली सस्ती हो रही है क्योंकि हम जनता से मोहब्बत करते हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, कल 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया मैंने, 100 मोहल्ला क्लिनिक एक साथ। भारत तो छोड़ो, दुनिया के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं है इतिहास के अंदर जिसमें 100 मोहल्ला क्लिनिक एक साथ बने हो। 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। एक एक गरीब आदमी जो मोहल्ला क्लिनिक में जा रहा है और इलाज करा रहा है, भाई साहब जो इलाज करा के बाहर निकलता है ना, एक एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को आशीर्वाद देता है। कई बार मेरे पास कुछ कार्यकर्ता आके कहते हैं कि जी हमको क्या मिला आम आदमी पार्टी से। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैंने उनसे पूछा, एक कार्यकर्ता आके बोला जी मेरे को क्या मिला। मैंने उससे पूछा तेरी बिजली कम हुई, बोला हाँ जी हुई। मैंने पूछा पानी का बिल 0 आता है, बोला हाँ जी आता है। मैंने पूछा बच्चे की पढ़ाई सुधरी, बोला हाँ जी सुधरी। मैंने कहा भाई तीर्थ यात्रा का फायदा हुआ, बोला हाँ जी हुआ। मैंने कहा फिर, बोला जी ये तो सबका हुआ, मेरा क्या हुआ। कई लोग कहते हैं ना ये, बोला जी ये तो सबका हुआ मेरा क्या हुआ। मैं मन में सोच रहा था भगत सिंह जब सूली पे चढ़ रहा था वो भी यही सोच लेता, ये आजादी तो सबको मिलेगी मेरे को क्या मिलेगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वो भी ये सोच लेते हम क्यों करें, ये गांधी अपने आप कर लेगा, नेहरू अपने आप कर लेगा, वो बाकी भी लगे हुए थे, बोले जी हम क्यों करें, वो गांधी वगैरह कर लेंगे हमको क्या मिलेगा। आम आदमी पार्टी में मैं बार बार कहता हूँ, आम आदमी पार्टी में जब हम आते हैं कार्यकर्ता का काम करते हैं, हम लोग देश के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए आते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी आपकी पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है।
आपकी पार्टी ने वो दिया है जो कोई दूसरी पार्टी आपको नहीं दे सकती। 5 साल के अंदर आपने इतना पुण्य कमा लिया, इतना पुण्य कमा लिया, अपनी पिछली जिंदगी में इतना, पिछले सालों में इतना नहीं कमाया होगा। मैं तो बार बार सोचता हूं, 50 साल की उम्र है मेरी, पिछले 5 साल में मैंने जितना पुण्य कमाया, 45 साल में अपनी जिंदगी में इतना पुण्य नहीं कमाया होगा। आज आप सोच के देखो, जैसा मैंने बताया, एक एक आदमी जो हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज करके निकलता है, आज सरकारी अस्पतालों में सब कुछ फ्री कर दिया। एक अम्मा मिली, 6 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ है उनके घर में, सारा फ्री। बोली जी मैं सोच भी नहीं सकती थी 6 लाख रुपए कहां से लाते, इतना आशीर्वाद दे रही है वो, इतना आशीर्वाद दे रही है। और रोज पता नहीं ऐसे कितने मरीज हमारे मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में इलाज करा के निकलते हैं। ये जितने बुजुर्ग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, आपने देखे होंगे इनके वीडियो, आप कईयों से मिले होंगे, जो बुजुर्ग जब लौट के आते हैं इतने खुश, इतने खुश, इतनी खुशी उनके चेहरे से जल, कहते जी हमारे बच्चों ने इतना ख्याल नहीं रखा जितना आम आदमी पार्टी की सरकार हमारा ख्याल, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, इतने खुश हैं। आज जितने बच्चों का भविष्य बन गया सरकारी स्कूलों के अंदर, उनका भविष्य नहीं तो बिल्कुल गर्त में था हमारी सरकार बनने के पहले, इतना बुरा हाल था इन सरकारी स्कूलों का, आज इतने शानदार स्कूल बन गए, इतनी शानदार पढ़ाई है, इन सबके माँ बाप आपको आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों। ये पुण्य कमाया आप लोगों ने, ये पुण्य और किसी पार्टी में नहीं मिलता। बाकी पार्टी वाले हो सकता आपको 2-4 रुपए दे देते, हमने ऐसी चीज दी है जो इस जिंदगी में भी काम आएगी और मरने के बाद दूसरी जिंदगी में काम आएगी। आज आप इतने सारे लोग बैठे हो यहाँ पे, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत हो चुके आज। एक एक आदमी जो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा के जा रहा है, वो आज आम आदमी पार्टी का केवल वोटर नहीं है, वो कार्यकर्ता बन चुका है आम आदमी पार्टी का। एक एक बंदा जो, जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ऐसे लाखों लोग आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं। एक एक बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा करके आ रहा है, वो सारे बुजुर्ग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी के इतने कार्यकर्ता बन गए और इन सब लोगों के जरिए अब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं हम लोग दिल्ली के अंदर, जो सोच भी नहीं सकते थे। आप सोच सकते थे डेंगू जैसी बीमारी के ऊपर काबू पाया जा सकता है, ये कभी कोई सपने में सोच सकता है? पूरी दुनिया में नहीं हुआ। 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पे डेंगू की महामारी है, 100 से ज्यादा देश, और सारे देश आपस में ये सोच रहे हैं कि डेंगू को कैसे कंट्रोल करें। एक बारी किसी देश में डेंगू आ जाए उसके बाद कंट्रोल में नहीं आता। पूरी दुनिया में अकेली आपकी दिल्ली है जिसमें हमने डेंगू पे कंट्रोल कर लिया। 2015 में 15,500 केस थे, इस साल अभी तक 350 केस है। भाई साहब ये कमाल है, आप लोगों का कमाल है, पूरी दिल्ली के लोगों का कमाल है। अपनी 2 करोड़ जनता जो है अपनी दिल्ली की, ये मिलके अब दिल्ली को सुधार रही है, ये अपनी सबसे बड़ी ताकत है। पॉल्यूशन कम कर दिया, बताओ कोई सोच ही नहीं सकता था पॉल्यूशन कम हो जाएगा। कितना कम हो गया पॉल्यूशन, जोर से बोलो कितना कम? 25%। बंबई में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा, वाराणसी में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा, कलकत्ते में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा, चेन्नई में पोल्यूशन बढ़, दिल्ली में पोल्यूशन कम होता जा रहा है। अकेली दिल्ली है। तो ये डेनमार्क वालों ने बुलाया मेरे को, बोले केजरीवाल जी आओ बताओ हमको पोल्यूशन कैसे कम करा। वहां पे 98 शहर इकट्ठे हुए, बड़े बड़े शहर, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो, लंदन, पेरिस, टोक्यो, मेलबर्न, सारे दुनिया के शहर जितने, 98 बड़े बड़े शहरों के मेयर आए थे, उन्होंने बुलाया, बोले जी केजरीवाल जी आओ जरा बताओ हमको कैसे आपने पोल्यूशन कम किया, कैसे आपने ये ऑड इवन किया। इन्होंने जाने ही नहीं दिया, ना जाने दे, डंका तो अपना ही बज रहा है, चर्चे तो अपने ही है चारों तरफ।
फिर उनका फोन आया, बोले अरविंद जी नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बताओ हमको। भाई साहब इतनी इज्जत हो रही है आप लोगों की पूरी दुनिया में। आपके मुख्यमंत्री को फोन करके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अरविंद जी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बताओ। मेरा तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया अपने दिल्ली वालों के लिए। गर्व की बात है नहीं आपके लिए? मैंने फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, उनको सबको बताया भाई कैसे हमने इतने काम करे मेरे दिल्ली वालों ने। मैंने बार बार यही कहा, मैंने कहा मैंने नहीं करा, मेरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने करा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने करा है, आप सुन लेना मेरी स्पीच वहां जो दी है, मैंने बार बार यही बोला वहां पे। फिर ये बीजेपी वाले बोले ये तो मेयर की मीटिंग थी, ये तो सारे शहरों के मेयर आए थे, केजरीवाल क्यों जा रहा है? मैंने कहा जी मेरा क्या कसूर है, तुम्हारे मेयर को बुलाते ही नहीं है, वो बुलाते ही मेरे को है, तुम्हारे वालों को बुलाते ही नहीं, सारी दुनिया को पता चल गया इनके मेयर कैसे हैं, सारी दुनिया को पता चल गया बीजेपी कैसी पार्टी है, सारी दुनिया को पता है 15 साल में एमसीडी का क्या बेड़ा गर्क करा है। मैंने कहा जी मैं क्या करूं, मेरे को बुलाते ही, मेरे को है तुमको बुलाते ही नहीं।